इस्तकबाल है नाज़रीन साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क और आलम अहवाल से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ के राजभवन में पंजाब के नए वजीर आला के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने लिया हलफ। रियासत में दलित समाज से सीएम बनने वाले पहले लीडर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सिंह सोनी को भी नए वजीर आला के तौर पर दिलाया गया हलफ। खुद राहुल गांधी ने भी हलफबरदारी तकरीब में की शिरकत। कांग्रेस के आपसी तनाजे के बाद दो दिन कबल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम के अहदे से दिया था इस्तीफा। अगला असेंबली इंतखाबात के लिए बाकी रह गए हैं सिर्फ 5 माह की मुद्दत। फिर बदल को लेकर अपोजिशन की जानिब से लगातार कांग्रेस को सख्त तनकीद का बनाया जा रहा है निशाना। कांग्रेस ने पार्टी के तमाम गिले शिकवे अब खत्म होने का किया दावा। मुंबई के वर्सोवा समंदरी साहिल पर पेश आया बड़ा हादसा। गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में बह गए 5 बच्चे। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 का किया रेस्क्यू तो बकिया 3 की जारी है तलाश। बेंगलुरु में एक 5 साल मासूम बच्ची के साथ बदसुलूकी करने पर हुआ जबरदस्त हंगामा। संजय नगर पुलिस थाने के सामने गुस्साए लोगों ने किया एहतजाज। मगरबी बंगाल के एक 25 साल नौजवान ने की थी बदसुलूकी। हंगामा आरई के बाद पुलिस ने मुलजिम नौजवान को किया गिरफ्तार। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक मुसाफिर बरदार बस और ट्रक के दरमियान हुई भयानक टक्कर। टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियों में जोरदार धमाके के बाद लगी आग। जिंदा झुलसकर बस पर सवार 3 अफराद ने मौके पर ही तोड़ दिया दम तो दीगर 20 मुसाफिर बस से बाहर बच निकलने में रहे कामयाब। कई लोग हुए शदीद जख्मी। राजस्थान में शादी से जुड़े नए कवानीन को लेकर अपोजिशन ने गहलोत सरकार को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। नाबालिग बच्चों की शादी को फरोग देने का लगाया गया इल्जाम तो कांग्रेस ने दिया जवाब। कवानीन में नहीं है कोई नई चीज, कानून के एक पुराने हिस्से में ही की गई है सिर्फ तकनीकी तब्दीली। 2 दिन कबल पास किए गए मैरिज एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र लड़की और 21 साल से कम उम्र लड़के की शादी को 30 दिनों के अंदर सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन को करार दिया गया है लाजमी। जुमे को अपोजिशन ने कानून पास कराने के दौरान से किया था वॉकआउट। यूपी के आगरा में बुलंद हैं चोर उचक्कों और लुटेरों के हौसले। जगदीशपुरा में एक रेडियोलॉजिस्ट के घर में हथियारों के बल पर दाखिल हुआ निकाबपोश 5 लुटेरों पर मुश्तमिल गिरोह। एहलखाना को यरगमाल बनाकर घर से जेवरात नकद रकम और दीगर कीमती अशिया को लेकर हुए फरार। दिफा करने पर घर में मौजूद लोगों के साथ की गई मारपीट। सभी के हाथ पैर बांध कर शाम करीब 8:30 बजे अंजाम दी गई थी वारदात। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। गैंगस्टर अतिकुर रहमान से मिलने अहमदाबाद के साबरमती जेल पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कवानीन और ममानियत का हवाला देकर जेल इंतजामिया ने मुलाकात की नहीं दी इजाजत। जेल में कैद अतिकुर रहमान ने हाल ही में ओवैसी की पार्टी को किया था ज्वाइन। हरियाणा के यमुना नगर में हादसे का शिकार हुई एक कश्ती। पानी के तेज बहाव में पलटने से बह गए कश्ती पर सवार 6 लोग। 4 का किया गया रेस्क्यू। 2 अफराद अब भी बताए जा रहे हैं लापता। जारी है तलाशी मुहिम। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ कसा शिकंजा। 5 अफराद पर मुश्तमिल चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। मुलजमीन के कब्जे से 80 लाख मालियत के कुल 52 मोबाइल फोन्स को बरामद करके पुलिस ने किया जब्त। महाराष्ट्र के वसई रेलवे स्टेशन से सामने आई एक हादसे की तस्वीर। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक बुजुर्ग खातून का बिगड़ा तवाजुन। गिरकर ट्रेन और प्लेटफार्म के दरमियान फंस गई खातून। मौके पर मौजूद लोगों ने दिखाई मुस्तैदी। खातून को खींचकर बचाई जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने या उतरने की कोशिश न करने की रेलवे की जानिब से मुसलसल की जाती है अपील। मगरबी बंगाल में मुसलसल बारिश के बाद बरपा कहर। कलकत्ता के कई एक नशेबी इलाकों में सड़कें तालाब में हुई तब्दील। कमर तक भर गया पानी। गाड़ियों के साथ ही पैदल चलना भी हो रहा है दुश्वार। मकामी लोगों ने सड़कों पर कचरा फेंके जाने के सबब ड्रेनेज सिस्टम जाम होने का दिया हवाला। टेक्सास में हादसे का शिकार हुआ एक US मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तकनीकी खराबी के सबब 6 घरों पर गिरकर हुआ तबाह। हादसे में कई लोग हुए जख्मी। घरों को भी पहुंचा भारी नुकसान। क्रैश होने से पहले ही तैयारे पर सवार 2 पायलट ने पैराशूट के साथ लगाई छलांग। हाई टेंशन बिजली की तारों में फंस गया एक पायलट का पैराशूट। दोनों को शदीद नाजुक हालत में हॉस्पिटल में किया गया है दाखिल। हादसे के बाद तैयारे में लगी थी आग। आसमान में उड़ता दिखा सियाह धुआं।